कौन सी जॉब बच्चा करे तो उसके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वो कौन सा कोर्स चूज़ करे। जी अब उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसका इंटरेस्ट क्या है, ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है। अगर मान लीजिए एक बच्चा अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन चाहता है और वो टीचर बनना चाहता है तो वो आईटी में नहीं जा सकता, और एक है मॉनेटरी बेनिफिट चाहता है टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा, वो टेक्नोलॉजी में जाएगा। इसके लिए तो मेरी हर स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इंटरनल बात सुनो, आपको क्या अच्छा लगता है आप वो ही कोर्स लो। और अगर आप बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो, कुछ अच्छे कोर्सेज लो जिसमें हाईली पेड जॉब्स हैं, देन इट्स नॉट लुकिंग बैक, मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू लुक बैक। जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप मॉनेटरी बहुत अच्छे आगे बढ़ते हो। तो ये सारा उस पर डिपेंड करता है। हम शुरू करते हैं, मान लीजिए एक बच्चा है जिसने +2 मेडिकल की है या सुपर मेडिकल की है। जो सुपर मेडिकल वाला, उसके पास दोनों चॉइसेस हैं, लेकिन जो मेडिकल वाला बच्चा है तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपने जो कोर्स पिछला किया है और अगला जो कर रहे हो उन दोनों में रिलेशन होना चाहिए। तो हेल्थ वाला बच्चा या तो नर्सिंग में जाएगा या हेल्थ रिलेटेड कोई कोर्स में जाएगा, सोशल वर्क, कम्युनिटी वेलफेयर, चाइल्ड केयर, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं एक जनरल बता रही हूँ। अदरवाइज़ मान लीजिए BSc मेडिकल वाले बहुत कोर्स बच्चों का आता है, तो वो BSc मेडिकल के रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं उसमें जा सकते हैं। कोई एग्रीकल्चर साइंस से है, कोई बायोलॉजिकल है, कोई बॉटनिकल है, तो ये सारी उनकी अलग अलग फील्ड हैं जिसके रिलेटेड वो नेक्स्ट जा सकते हैं। अब जो मान लीजिए +2 मेडिकल वाला है तो वो आगे बैचुलर अपने हिसाब से ले सकता है। नर्सिंग में जाना है तो 7 बैंड ईच उनको आइल्स के चाहिए। +2 में 65% CBSE बोर्ड के बेस्ट 4 में चाहिए उनको। अब अगर नर्सिंग वाला है तो उसने नर्सिंग ले लिया, 3 ईयर की बैचुलर डिग्री करके, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें उनको आगे नर्सिंग रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, वो कोर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है नर्सिंग बॉडी के साथ। तो उनको जी जस्ट वहाँ जाके जैसे ही उनकी बैचुलर कंप्लीट हुई तो दे विल स्टार्ट देयर जॉब, और उनकी जॉब जो है ऑलमोस्ट $90,000 के अराउंड पर एनम की आ रही है। $45 पर आर ऑलमोस्ट उनको पे हो रहा है। ये आ गया अब हेल्थ वाले बच्चों का। अब बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से है, वो आईटी में जाता है। तो आईटी वाले बच्चों के भी अलग अलग हैं। कोई बच्चा डेटा साइंस में जा रहा है, कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहा है, और कोई साइबर सिक्योरिटी में जा रहा है या फिर इंजीनियरिंग में जा रहा है। तो इन सब में जो पे स्केल है, जो मैंने अभी आपको एडमिशन रिक्वायरमेंट बताई, वो सेम है। CBSE पास आउट बेस्ट 4 में 65% एंड उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट है +2 वाले बच्चे की। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स का जो है, जिन्होंने BSc IT BCA किया हुआ है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उनका 60 और 65% डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। अच्छी यूनिवर्सिटी है 60% और Section 3 यूनिवर्सिटी है तो 65% की रिक्वायरमेंट है। इनकी जो सैलरी स्केल्स हैं वो बहुत अच्छी जाती है। साइबर सिक्योरिटी वालों की ऑलमोस्ट 170 to 200,000 है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑलमोस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो AI की 140,000 के अराउंड जा रही है। डेटा एनालिसिस वालों के ऑलमोस्ट $9,500,000 जा रही है, और कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है $9,500,000 मिनिमम जा रही है। तो ये आपकी इंटरनल वॉइस पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जी अब एक बच्चा जो अकाउंटिंग में जाना चाहता है, उनकी भी सैलरीज ऑलमोस्ट $95,000 to $100,000 के आसपास जा रही हैं, जो कि बिजनेस बैकग्राउंड या अकाउंटिंग बैकग्राउंड में आप जाना चाहते हो। जी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप
क्या करना चाहते हो, आपकी इंटरनल वॉइस क्या कह रही है, पहले बहुत ध्यान से एनालिसिस करिए अपने कैरियर के लिए कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं। आप कुछ अच्छे कोर्सेज करिए, अगर आपको चाहिए कि मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, जॉब अच्छी चाहिए, सेटलमेंट चाहिए, तो उनके लिए आपको अच्छे कोर्सेज करने पड़ेंगे। और मेरी हमेशा एडवाइस है, मान लीजिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी या अकाउंटिंग, तो आपका जो भी 3-4 महीने का आपका एक पीरियड है जिसमें आपको फाइल लगानी है, उसमें आप छोटे छोटे कोर्सेज आप ज़रूर कर लीजिए, जिससे वहाँ जाके आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। सेकंड, हमारे पास यहाँ इंडिया में भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं कि 3-3.5 महीने के, जब तक आपकी फ़ाइल लग रही है तब तक आप वो सेम यूनिवर्सिटी जिसमें आप जा रहे हो उसका आप 3 मंथ्स का कोर्स यहाँ पे कर लीजिए, 3-3.5 मंथ्स का, मीन्स एक सेमेस्टर। तो आपको वहाँ की एक सेमेस्टर की फ़ीस जो है जस्ट 1/3 देनी पड़ती है और सीधा आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपकी एंट्री हो जाती है वहाँ पर, और उससे वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फैब इनटेक में अब 3 दिसंबर तक या किसी की 15 दिसंबर लास्ट डेडलाइंस हैं, तो 15-20 तक मैक्सिमम, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा अप्लाई करना। फिर जुलाई इनटेक है, तो जो भी बच्चे आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इमीडिएट अप्लाई कर लें। मान लीजिए हमारे पास भी कॉल्स बहुत हैं, वॉक इन बहुत है, कई बार टाइम नहीं लगता, और स्टूडेंट की कई बार कंप्लेंट आ जाती है कि मेरे को अटेंड मेरी कॉल, तो आपको अगर उस टाइम कॉल नहीं अटेंड हुई तो आप नेक्स्ट डे कर लीजिए, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, देयर विल बी ए डेडिकेटेड टेलीकॉलर और देयर विल बी ए डेडिकेटेड स्टाफ हु विल लुक आफ्टर योर केस, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा।